नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर जो आपके वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। वनडे एग्जाम का कहने का मतलब मेरा रहता है एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, आप देते हैं रेलवे हो गया, या फिर कहीं तक आप देखते हैं स्टेट पीसीएस में भी वन लाइनर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। चार ऑब्जेक्टिव दे देंगे, एक क्वेश्चन दे देंगे। तो इस तरह के आपके जहाँ भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमपीपीएससी में आप लोग देखते हैं अधिकतर आपके वनडे एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं उसी तरह के उसमें भी बनते हैं। पर चाहे आप यूपी टीईटी का ले लीजिए, एमपी टीईटी, एसआई दरोगा देखते रहते हैं आप लोग, पुलिस वालों का व्यापम में देखते रहते हैं, शिक्षकों का, इस तरह के क्वेश्चंस जिस भी परीक्षा में आपके आते हो उन सभी के लिए आपके महत्वपूर्ण रहेंगे, ठीक है। और इनके विस्तार की अगर बात करें तो बहुत विस्तार से बता रहा हूँ, और अगर आपको कुछ ज़्यादा ही विस्तार से सभी सब्जेक्ट पढ़ना है तो किरण सामान्य ज्ञान बुक्स कवर की हुई है, उसे आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। मुझे नहीं लगता है कि उसके बाहर आपका कोई भी क्वेश्चंस जाएगा। और किरण सामान्य ज्ञान के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची है उसमें आपकी सभी क्लासें डली हुई हैं, और उसे बस उतना कवर कर लीजिए, जीएस के लिए काफ़ी है आपका। एक बार आप लोग प्लेलिस्ट सूची में जाकर देख लीजिए आपको के लिए क्या क्या मटेरियल वहाँ मिल जाएगा बहुत सारा। तो तीन टेस्ट हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, ये आपका चौथा टेस्ट है, और इससे संबंधित जितनी भी पीडीएफ है आपकी वो सभी टेलीग्राम पर डली हुई है, वहाँ से डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए, और फिर आपके बाद एक आध बार इससे देख लीजिए, उसके बाद आप लगाते रहिए। क्योंकि आप जानते हैं जितने अधिक से अधिक आप मॉक टेस्ट लगाएंगे उतना ही आप आगे बढ़ पाएंगे, और आप जब परीक्षा हॉल में बैठेंगे तो आप क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाएंगे बेहतर तरीके से। चलते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें कौन सा ब्रह्मक्षत्रिय वंश कहलाता है, कौन सा ब्रह्मक्षत्रिय वंश कहलाता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि सैन वंश ब्रह्मक्षत्रिय वंश कहलाता है, यह बंगाल का एक वंश था। आप सभी को मालूम है कि बंगाल का एक वंश था सैन, इसकी स्थापना किसने की थी, सामंत सेन ने, इसे भी याद रखिए, और 11वीं-12वीं सदी में इसका शासन रहा। तो इस सबसे इससे कई बार क्वेश्चन बन चुका है कि सैन वंश की स्थापना किसने की थी, सामंत सेन ने, इसका संस्थापक कौन था, सामंत सेन, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग, कौन सा मिलान सही नहीं है, जो नीचे आपका दी गया इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है आपको बताना है, सही नहीं है। नागनाद हर्ष सही है, मुद्रा राक्षस विशाखादत्त सही है, मिच्छकटिक शूद्रक सही है, रत्नावली राजशेखर ये गलत है आपका। क्या है, रत्नावली राजशेखर ये गलत है, क्योंकि आप जानते हैं रत्नावली की रचना किसने की थी, उदयन ने, ठीक है, उदयन ने। इसमें क्या होगा आपका, डी ऑप्शन होगा, क्या होगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा, परम सौगात की उपाधि किसने धारण की थी, परम सौगात की उपाधि किसने धारण की थी। तो आप जानते होंगे कि राज्यवर्धन ने, किसने, राज्यवर्धन ने, और राजवर्धन की बहन आपने सुना होगा राजश्री थी, उनका पति और वर्धन वंश का राजा था जिसकी हत्या किसने की थी, गौड राजा शशांक ने कर दी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुप्त राजाओं के बाद किन राजाओं ने गरुड़ को अपना राज्य चिन्ह बनाया, गुप्त राजाओं के बाद किन राजाओं ने गरुड़ को अपना राज्य का चिन्ह बनाया। तो आपको याद होना चाहिए राष्ट्रकूट वंशों ने। एक बात और आपको यहाँ बता दूं कि अगर आपको कभी इस तरह से बता देता हूँ मैं, धोखे में गलत बता देता हूँ, तो आप लोग नीचे सुधार कर उसका विस्तार से थोड़ा आंसर लिख दिया करिएगा, ठीक है। वैसे मेरी कोशिश तो रहती है कि सही आंसर बताया जाए, फिर भी कहीं है, मैं भी इंसान हूँ, गलती हो जाती है। तो कौन थे, राष्ट्रकूट। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या है, किस सातवाहन राजा ने सर्वप्रथम राजा के नाम के सिक्के जारी किए, किस सातवाहन राजा ने सर्वप्रथम राजा के नाम के सिक्के जारी किए। तो ये था सातकर्णी प्रथम, कौन था, सातकर्णी प्रथम। सातवाहन वंश आंध्र प्रदेश में राज करने वाला प्राचीन ब्राह्मण वंश था, ये लोग सभी ब्राह्मण थे। इनका राज्य वर्तमान कर्नाटक से मध्य प्रदेश
और गुजरात तक फैला हुआ था। सातकर्णी प्रथम ने सबसे पहले अपने नाम के सिक्के भी जारी किए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, योद्धाओं का प्रमुख स्थान कहाँ है? योद्धाओं का प्रमुख स्थान कहाँ है? रोहतक, ये हरियाणा में है, याद रखिए। कहाँ है? हरियाणा में रोहतक। एक और जानकारी आप लोगों को दे दूं कि वैसे आपको, आप लोगों के लिए विस्तार में तो मैं जीएस हो, फिर चाहे कंप्यूटर साइंस हो आपका, फिर चाहे आपका मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान हो, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान हो, मैं बहुत विस्तार से पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। अब आपके मॉक टेस्ट ही आपके लिए मुझे लगता है कि ज़रूरी है। इतना गारंटी दे सकता हूँ कि जीएस प्लस कंप्यूटर साइंस प्लस एमपीजीके यूपीजीके, इसके लिए आपको जीएस के लिए कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिविल सर्विस या फिर स्टेट पीसीएस के लिए मैं पूरा मटेरियल उपलब्ध करा चुका हूँ। पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं और लेक्चर आप प्लेलिस्ट सूची में जाकर एक बार ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि जीएस बहुत विस्तार से एनसीईआरटी आपकी ख़त्म कर रहा हूँ, तो समझ रहे हैं, मतलब इतना हाई लेवल से पढ़ा चुका हूँ कि आपको किसी के सामने ना तो हाथ जोड़ने की ज़रूरत है और ना ही पैसा खर्च करने की ज़रूरत है। और अगर आपको लगता है कहीं कमी है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं फेसबुक पेज पर। आपकी जो भी समस्या होगी हर संभव कोशिश करूँगा सॉल्व करने की। ठीक है, और जो भी आपकी सुझाव हैं वो आप भी बताते रहिया करिएगा, सुधार होता रहा करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? तो ये था विष्णुगोप। क्या था? विष्णुगोप। और इसका उल्लेख आपको इलाहाबाद स्तंभ लेख शिलालेख में देखने को मिलेगा। विष्णु जो गोप था, ये पल्लव वंश का राजा था। किस वंश का? पल्लव राजा वंश का। अगला क्वेश्चन है हमारा, चार अश्वमेघ यज्ञों का आयोजन किस राजा ने कराया था? चार अश्वमेघ यज्ञों का आयोजन किस राजा ने करवाया था? ये था प्रवरसेन प्रथम। प्रवरसेन प्रथम वकाटक वंश का राजा था। किस वंश का था? वकाटक वंश का। आप सभी जानते होंगे कि वकाटक वंश दक्षिण भारत में राज करने वाला एक ब्राह्मण राजवंश था, जिसने तीसरी शताब्दी से पांचवीं शताब्दी तक राज्य किया। और इस वंश की स्थापना बिंद शक्ति ने की थी। किसने? बिंद शक्ति ने। ये राजा गुप्त राजाओं के समकालीन थे। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, ग्रीक रोमन साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस कहा गया है, इसका उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया? ग्रीक रोमन साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस कहा गया है, इसका उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया? तो ये थे विलियम जॉन्स। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या है अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य के राजाओं ने सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध बनाए? किस राज्य के राजाओं ने सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध बनाए? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, मौर्य शासकों ने, मौर्य राजा बिंदुसार ने सर्वप्रथम सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम से राजनीतिक संबंध बनाए। बिंदुसार के राज्य में डाइमेकस नामक सीरियाई राजदूत भी आया हुआ था। और इस अशोक के 13वां शिलालेख है, इसमें सीरिया के 5 राजाओं का उल्लेख भी मिलता है, अशोक के 13वें शिलालेख में। ठीक है, इसमें आपका ए ऑप्शन सही है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो आपको सभी को पता होगा, महाभारत। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। और इसकी रचना किसने की थी? वेदव्यास ने। इसकी रचना किसने की थी? वेदव्यास ने। अगर हिसाब से बने तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, बोगज कोई अभिलेख कहाँ खोजा गया? तो ये आपका टर्की में। बोगज कोई अभिलेख कहाँ खो गया था? ये टर्की में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, अष्टांग क्या है? अष्टांग संग्रह की रचना किसने की? अष्टांग संग्रह की रचना किसने की थी? तो ये था वाग्भट। वाग
ये अष्टांग संग्रह आयुर्वेद से संबंधित पुस्तक है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा अगला, 8वीं सदी में त्रिकोणीय संघर्ष किसके बीच हुआ था? 8वीं सदी में त्रिकोणीय संघर्ष किसके किसके बीच हुआ था? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, चालुक्य पल्लव पांडव, चालुक्य पल्लव पांडे पांडव, ठीक है, इन तीनों के बीच हुआ था त्रिकोणीय संघर्ष। अगला क्वेश्चन हमारा है, कोरोमंडल शब्द को निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य से लिया गया है? कोरोमंडल शब्द का को निम्नलिखित किस राज्य के राज्य से लिया गया है? तो ये आपको मालूम होगा, चोल। कोरोमंडल शब्द कहाँ से? चोल राज्य से संबंधित है। कोरोमंडल तट भारतीय प्रायद्वीप की दक्षिण पूर्व तटरेखा को दिया गया नाम है। ए बी ऑप्शन सही है। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा गलत कथन है जो नीचे दिया गया है? इनमें कौन सा गलत कथन है? पांडव वंश की राजधानी मदुरई थी, बिल्कुल सही है। चेरों की राजधानी राजधानी वंशी थी, ये भी सही है आपका। विदेह राज्य की राजधानी मिथिला थी, ये भी सही है। तो इसमें क्या होगा? कोई नहीं, यानी कि सभी सही है, कोई गलत नहीं है। तो क्या होगा इसमें? ऑप्शन डी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। ऋग्वेद का एक मंडल किसके लिए समर्पित है? ऋग्वेद का एक मंडल किसके लिए समर्पित है? सोम देवता के लिए। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस गांव में था? विक्रम विश्वविद्यालय किस गांव में था? तो ये था अंतीचक। आप सभी को मालूम होगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का एक सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय था। बाहर से भी लोग यहाँ पढ़ने के लिए आया करते थे। इसकी स्थापना की बात करें तो ये भी कई बार पूछा जा चुका है कि पाल राजा था धर्मपाल, उसने इसकी स्थापना करवाई थी। ठीक है, पाल वंश का राजा कौन? धर्मपाल। और बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट किया था, बख्तियार खिलजी ने। इन दो तीन पॉइंटों को याद रखिए, कई बार क्वेश्चंस बन जाता है इससे। महायान बौद्ध धर्म ग्रंथों में भविष्य बौद्ध किसे कहा गया है? महायान बौद्ध धर्म ग्रंथों में भविष्य बौद्ध किसे कहा गया? तो ये कहा गया मैत्रेय को। किसे? मैत्रेय को। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या है, किन दो वंशों ने राष्ट्रकूटों के साथ उत्तर भारत का राज्य संभाला? तो ये थे आपके पीतिहार और पाल, सॉरी डी ऑप्शन, पोल भी कहते हैं इसे। 8वीं सदी के राजपूत काल में भारत में तीन वंश प्रमुख थे, उत्तर भारत में गुर्जर पीतिहार, बंगाल में आपका पाल वंश और दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश। ठीक, एक बात और आपको बताऊं, देखिए मैं बता रहा हूं ना कि एक किताब आप एक पढ़िए, मैं तो कहता हूं ना कि आप इतना गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि आप किरण सामान्य ज्ञान बुक्स को कवर कर लीजिए, खरीद लीजिए, चाहे फिर आपके लेक्चर डले हुए उन्हें पढ़ लीजिए आप लोग। उसके बाद आप जितने अधिक से अधिक मॉक टेस्ट हो सके उतने लगाइए, आपका कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं होगा। एक बुक्स पढ़िए, ऐसा ना मत करिए कि 1000 बुक्स पढ़ रहे हैं और टेस्ट सीरीज यानी कि मॉक टेस्ट आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपका मॉक टेस्ट देने से मतलब रहता है, कम से कम आपको पता तो चलता है कि किस तरह से क्वेश्चंस बन चुके हैं और बनेंगे आगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इतना कवर कर लीजिए, काफ़ी आपका जीएस उसमें, चाहे आपका कंप्यूटर साइंस हो कुछ भी हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ? तो ये था कनिष्क। महायान पंथ बौद्ध धर्म का एक पंथ था, इसका विकास कनिष्क के समय हुआ, असंग ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है हमारा अगला, बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन किस संगति में हुआ था? तो ये हुआ था आपका चतुर्थ संगीति में, ये आपकी 72 ईसा ईस्वी में, 72 ईस्वी में
कश्मीर के गोंडल वन में हुई थी। इसके अध्यक्ष की बात करें तो वसुमत, और कौन थे अध्यक्ष? वसुमित, और उपाध्यक्ष थे अश्व घोष। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा क्या अगला? पिथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे, पिथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। और ये कब हुई थी? पहली बौद्ध संगीति आपकी अजातशत्रु के समय हुई थी। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। क्वेश्चन है हमारा दूसरा, दूसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? दूसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? ये आपकी 383 ईसा पूर्व में हुई थी। याद रखिए, जो पहली हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ए, दूसरी आपकी वैशाली में हुई थी। कहाँ हुई थी? वैशाली में, काला शोक के राज्य शासन काल में हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था सबकामी, सब कमी। डी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे, किसके शासन काल में, किसके शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई? कनिष्क। किसके? कनिष्क के शासन काल में। इसके अध्यक्ष बता ही चुका हूं कि वसुमित्र थे, और उपाध्यक्ष थे अश्व घोष, और कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध के ग्रह त्रयाग को कौन सा चिन्ह बताता है? गौतम बुद्ध के ग्रह त्रयाग को कौन सा चिन्ह बताता है? घोड़ा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है हमारा अगला, गौतम बुद्ध के निर्वाण को कौन सा चिन्ह बताता है? गौतम बुद्ध के निर्वाण को कौन सा वृक्ष बता, यानी कि चिन्ह बताता है? तो यह आपका बौद्धि वृक्ष, यानी कि ये आपका कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त हुआ था, यानी कि इन्हें ज्ञान ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान को ही निर्वाण कह देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध के जीवन को कौन सा चिन्ह बताता है? गौतम बुद्ध के जीवन को कौन सा चिन्ह बताता है? तो ये कमल। क्या है? कमल। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, गौतम बुद्ध का सारथी कौन था? चन्ना। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है हमारा अगला, कंथक का गौतम बुद्ध के जीवन में क्या संबंध था? एक घोड़ा था इनका। क्या था? घोड़ा था। बी ऑप्शन। एक बात आप लोगों को बताऊं, वैसे बातें तो बहुत बता रहा हूं, लेकिन इतना कह रहा हूं, आप मेरे साथ बने रहिए और एडजस्ट करते रहिए। आपके 1000 से 1500 क्वेश्चंस, हर सब्जेक्ट से 1500 से 1000 क्वेश्चन कम से कम सॉल्व करवा दूंगा। अगर आप इन्हें 1500 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, तो आप सोचिए कि 3000 तरह के क्वेश्चंस आप सॉल्व करने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। आगे हम लोग देखते रहेंगे, टेस्ट बाय टेस्ट चलते रहेंगे। आपके मैं कहता हूँ कि 1000 टेस्ट करवा दूंगा पूरे मिलाकर, हिस्ट्री ज्योग्राफी सभी। इन्हीं को आप लोग पढ़ते रहिए, काफ़ी है। ठीक है, बस आपको मेहनत करती रहना है। आपका कंप्यूटर में आपने देखा होगा कि कंप्यूटर में आपके पूरा विस्तार से पहले पढ़ा चुका था, उसके बाद आपके 23-24 टेस्ट भी खत्म कर चुका हूँ उसी से संबंधित। उसमें आपके 1500 के करीब क्वेश्चंस बहुत अच्छे से सॉल्व करवा चुका हूँ विस्तार से, तो उन्हें भी आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन है हमारा अगला, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो ये थी पर्वतनी। ए ऑप्शन सही है। इसमें भरत जन के राजा सुदास ने 10 राजाओं के साथ संघ को हराया था। इन्हीं के नाम पर कहते हैं कि भारत का नाम पड़ा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये भी धर्मपाल ने की थी। किसने? धर्मपाल ने। ए, बंगाल के पालवंशी राजा धर्मपाल ने की थी। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो ये थी जगदल। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा अगला, गौतम बुद्ध की माँ महामाया किस वंश से थी? गौतम बुद्ध की माँ महामाया किस वंश से थी? तो आप सभी को मालूम होगा, कौली है, कौली। गौतम बुद्ध की माँ
महामाया, क्षत्रिय वंश कौलीय वंश की थी, ठीक है। और इनका इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, शाक्य वंश के थे। क्वेश्चन है हमारा अगला, वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया था? वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने करवाया था? तो ये थे आपके भट्टारक, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा अगला, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के विकास ने किसने कराया था? इसे पहले भी देख चुका हूँ, धर्मपाल ने, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा अगला, नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसने के काल में हुआ? नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ? तो ये था कुमार गुप्त। कौन था? कुमार गुप्त, ठीक है। कुमार गुप्त गुप्त वंश का राजा था और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का ये पुत्र था, ठीक है, गुप्त वंश का। क्वेश्चन है हमारा अगला, बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है? बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है? तो आप सभी को मालूम होगा, हीन ज्ञान। कौन सा? हीन ज्ञान। और ना ही ये मानता है कि बुद्ध भगवान थे, ये केवल उनकी शिक्षाओं पर ही भरोसा करता है, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? मैं कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? तो यह आपका विनय पिटक। इसमें आपका एक कानून था एक तरह का, ये इसमें संघ और भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियम कानून थे। विनय का आप एक तरह से मतलब निकाल सकते हैं कि नियम, आप नियम सेट नहीं कर देते हैं कि आप इस संघ में ये काम कर पाएंगे, ये नहीं करेंगे, ऐसे रहेंगे, ऐसे, उसी की बात की जा रही है। क्वेश्चन है हमारा अगला, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है? बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है? तो यह है आपका सूत पिटक। क्या है? सूत पिटक, सी ऑप्शन सही है आपका। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? तो ये था दंती दुर्ग। इसकी स्थापना 8वीं सदी में की थी दंती दुर्ग ने, राष्ट्रकूट वंश की, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा अगला, सैन वंश की स्थापना किसने की थी? इसे हम लोग पीछे भी देख चुका हूं, ये आपका बंगाल का एक वंश था और इसकी स्थापना सूरसेन ने की थी। एक मिनट रुकिएगा थोड़ा। सेन वंश का मालूम होना चाहिए आपको, पता है इसका वास्तविक संस्थापक विजय सेन को माना जाता है। किसे? विजय सेन को माना जाता है। और इसकी अगर वैसे बात करूं, सामंत सेन ने की थी, सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने की थी, लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक आपका विजय सेन को माना जाता है। तो इसमें आपने देखा सामंत सेन है भी नहीं है, ठीक है, तो इतना याद रखिए, सामंत सेन ने की थी। और अगर आपसे वास्तविक संस्थापक की पूछी अगर, तो ये विजय सेन था। कौन था? विजय सेन। इसके अगर सभी शासकों की हम बात करें तो पता है, पहले सामंत सेन, फिर हेमंत सेन, फिर आप देखेंगे विजय सेन, वल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन, केशव सेन, विश्वरूप सेन, सूर सेन, नारायण सेन, ये सभी इस वंश के राजा हुए, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, कृष्णा पिथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था, उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया? एक बात और आपको बताऊं यार, मतलब पता है हम एक परिवार की तरह जुड़े हुए हैं सब लोग, तो आप लोगों को अगर किसी क्वेश्चंस का और विस्तार से आंसर पता है तो आप नीचे लिख सकते हैं, आपके लिए इसीलिए खोल रखा है कमेंट बॉक्स, कि हम सभी एक मिलकर जुलकर काम करेंगे और आगे आराम से बढ़ेंगे। अगर आपके पास टेलीग्राम है तो
तो इस टेलीग्राम वो कोई भी PDF अगर आपकी स्टडी से संबंधित MP वो फिर चाहे UP किसी भी से संबंधित, तो आपसे कहा है कि मैंने फेसबुक पेज पर भी आप शेयर कर सकते हैं, हम सभी मतलब एक परिवार की तरह जुड़े हुए हैं, सबको पहुंच जाए आप, या फिर FB ग्रुप पर यानी कि फेसबुक ग्रुप पर भी शेयर कर सकते हैं। ठीक, अपने हिसाब से देखते रहिए और जुड़े रहिए। तो इसका एलोरा के शिव मंदिर का निर्माण करवाया था इसने, राष्ट्रकूट राजा था कृष्ण प्रथम, इसने बनवाया था इसे। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? आपको मालूम होगा कि गुप्त काल को कहा जाता है। क्वेश्चन है हमारा अगला क्या है, भारत की रुई अन्य रुइयों के से सब अधिक सफेद है, यह विचार किसने का था? ये था मेगस्थनीज का। आपने सुना होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था ये मेगस्थनीज, सेलुकस निकेटर का ये राजदूत था, और इसने एक पुस्तिका का नाम लिखा था इंडिका, ये भी कई बार पूछ लिया गया है, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मेगस्थनीज। क्वेश्चन है हमारा अगला, गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलवाए? गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलवाए? तो दीनार भी चलवाया था इन्होंने, और इन्होंने स्वर्ण भी चलवाया था। जो दीनार था रोमन साम्राज्य की नकल से चलवाया गया था इसको, और जो स्वर्ण था, स्वर्ण ये सोने और चांदी का बना शुद्ध भारतीय सिक्का था। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? डी ऑप्शन 1 और 4। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने क्या है, कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए? कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए? सोने के भी चलवाए इन्होंने, चांदी के भी चलवाए, तांबे के भी चलवाए, उपयुक्त सभी लोग सभी चलवाए। कुषाणों को आप सभी याद रखिए, इन्हें तुषारी लोग भी कहा जाता है, इनका एक तरह से दूसरा नाम तुषारी लोग। ठीक है, क्वेश्चन है अगला, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो ये था बृहदत्त, और पहला कौन था इसका संस्थापक? चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बिंदुसार, तीसरा अशोक, और लास्ट का था बृहदत्त। ठीक है, और इसे जो बृहदत्त था इसे पुष्यमित्र शुंग ने मारकर शुंग राजवंश की स्थापना भी की थी। क्वेश्चन है अगला हमारा, अभिधम्म में कथा कथा वत्थों के बारे में किसने लिखा? ये लिखा मोगलीपुत्र तिस्स ने, सी ऑप्शन सही है। मोगलीपुत्र तिस्स बौद्ध धर्म के भिक्षु और विद्वान थे, वह अशोक के अध्यात्मिक गुरु भी रहे हैं, और अशोक के पुत्र महेंद्र के आध्यात्मिक गुरु भी थे। ठीक है, सी ऑप्शन सही है आपका। क्वेश्चन है हमारा, किस यज्ञ में वैदिक काल में सुरा का प्रयोग किया जाता था? तो ये था आपका सोत्रामणि, वैदिक काल में सोत्रामणि का यज्ञ में सूरा का प्रयोग किया जाता था। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। मैं इतना ही कहूँगा आप लोगों से कि आपको इतना मटेरियल दे चुका हूँ, मुझे नहीं लगता है कि कहीं आपको फ्री में इतना मटेरियल मिलेगा, और जितनी मेरी कोशिश रहेगी उतना मैं उपलब्ध कराता रहूँगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जाके प्ले लिस्ट सूची में एक बार देख सकते हैं क्या बिगड़ता है, नहीं पसंद है छोड़कर आप चुक जा सकते हैं, तो वहाँ जाकर देखिए आपको कितना मटेरियल दे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग एक नए टेस्ट के अगले के साथ। ठीक है, 5वीं।